तो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सिंह और आप देख रहे हैं अजय सिंह टेक एंड म्यूजिक यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको पांच पांच ऐसे मोबाइल के बारे में बताऊंगा जो अपकमिंग 2019 में आने वाले हैं, वो भी 5G पर लॉन्च होके। सो चलिए आज मैं उसकी कुछ डिटेल आपको दे देता हूँ, ताकि अगर अगर आपको फोन अच्छा लगे तो फ्यूचर में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वही रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक। तो पहला मोबाइल आप देख सकते हैं, OnePlus 7 है ये, 39,990 रुपये का है ये। इसकी आप फोटो देख सकते हैं कैसा दिखता है, ये देख लीजिए। बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है इसका। सो फोन तो देखने में अच्छा लग रहा है, कैमरा इसका देख लो कैसे निकल रहा है। और इसकी कुछ डिटेल देखता हूँ क्या क्या है इसमें। सो आप सब अगर देख सकते हो तो ऑक्टा कोर प्रोसेसर इसमें है, 1.8 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन 855 है, 8 GB रैम है, 6.5 इंच डिस्प्ले है इसका, 48 MP कैमरा, 48-20 5 MP ट्रिपल कैमरा, प्राइमरी कैमरा डुअल LED फ्लैश, 16 MP फ्रंट कैमरा स्क्रीन फ्लैश, 4450 mAh बैटरी है, वायरिंग चार्जिंग भी इसमें सपोर्ट करता है। सो चलते हैं अगर नेक्स्ट डिवाइस की ओर, देखते हैं वो कैसा है। नेक्स्ट डिवाइस का नाम है सैमसंग गैलेक्सी S8 5G। हाँ दोस्तों, सारा फ़ोन 5G है। ये पड़ता है आपको 89,990, जिस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। सो देखने में तो अच्छा है ये फ़ोन, सैमसंग ब्रांड है। इसका फ्रंट साइड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। फिर नेक्स्ट डिवाइस की ओर अभी नहीं बढ़ते, अभी इसी देखते हैं। ऑक्टा कोर 2.73, जिसमें प्रोसेसर है, 8 GB रैम है, जब भी यार 6.73 डिस्प्ले है इसकी, 12 12 MP, 12 MP प्लस, 16 MP ट्रिपल प्राइमरी कैमरा एलडी प्लस, 10 MP फ्रंट कैमरा, 4500 बैटरी, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी इसमें, पर USB टेप सी पोर्ट नॉट सपोर्ट, माइक्रो USB। आप इसके फुल डिटेल देख सकते हैं, ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डिवाइस की ओर। बैक हो जा, अगला फोन है वीवो Apex 2019। सोचिए देखते हैं इसमें क्या है। 43,990 रुपये का पड़ जाएगा आपको, ऑक्टा कोर 2.84 GHz प्रोसेसर, क्योंकि आप गेमिंग के लिए तो बहुत अच्छा प्रोसेसर इसमें, स्नैपड्रैगन 855 है, 12 GB रैम है, बहुत अच्छा फ़ोन है ये। 6.39 इंच का डिस्प्ले है, 12 MP 13 MP डुअल प्राइमरी कैमरा बट नॉट सेल्फी कैमरा। मार्च 27, 2019 अनऑफिशियल लॉन्चिंग डेट है ये भाई। सो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इसकी पूरी डिटेल मैंने तो आपको दिखा दी है। सो देखते हैं इसकी, अब नेक्स्ट डिवाइस की ओर बढ़ते हैं अपने। सो हमारी चौथे नंबर पर डिवाइस आती है, वो है OPPO R15। ये आपको पड़ जाएगा 30,990 रुपये का, मतलब पर्सनली 31,000 पड़ जाएगा। सो आप देख सकते हैं, ऑक्टा कोर 2.3 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर है, प्लस 1.0 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर, 6 GB रैम है, मीडिया टेक प्रोसेसर है, 6.28 इंच डिस्प्ले है इसकी, 16 MP 5 MP डुअल प्राइमरी कैमरा बट नॉट। आप इसकी कुछ वैसी डिटेल देख सकते हैं, कलर वॉश पे आएगा ये भाई, ओप्पो का तो कलर वॉश पे रहता है, 128 GB इंटरनल मेमोरी तक आप इसको सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 20 MP प्राइमरी कैमरा है इसका, सेल्फी में तो काफ़ी अच्छा है। सो चलते हैं नेक्स्ट डिवाइस की ओर, पांचवी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हवाई मेट एक्स, ये डिवाइस आपको पड़ जाएगा 1,85,290 रुपये का। सो इसकी केस प्रेस देख सकते हैं, एंड्रॉयड पाई पे आएगा, ऑक्टा कोर 2.5 प्रोसेसर आपको दिख रहा होगा, 8 GB रैम है, 6.6 डिस्प्ले है, OLED है, 48:16 8 MP ट्रिपल प्राइमरी कैमरा बट नॉट फ्रंट कैमरा,
सो आप इसको डिटेल में देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। आप चाहें तो इसे जूम करके भी देख सकते हैं क्या क्या इसमें नए नए फीचर मिल सकते हैं आपको। तो बस आज की वीडियो में एक उत्था, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक्स वॉचिंग।